अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप लोगों के डिमांड के ऊपर मैं इस वीडियो को लेकर के आ गया हूँ। आप लोगों का डिमांड था, आप लोगों का एक्चुअली सवाल था बहुत सारा। कौन है तो आप लोग का सवाल था बहुत सारा कि जो है आईटीआई क्या है, आईटीआई में कौन कोर्स करना बेहतर है, आईटीआई में क्या कोर्स मिलेगा। और स्पेशली आप लोग का सवाल था टॉलीगंज कॉलेज के ऊपर, क्योंकि मैंने टॉलीगंज कॉलेज के ऊपर ब्लॉग बनाया था। तो आप लोगों का ज़्यादातर सवाल उसी में था कि वहाँ एडमिशन कैसे पा सकते हैं, वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, वहाँ पर एडमिशन कैसे ले वगैरह वगैरह। तो आप लोगों ने इस बारे में इसमें बहुत सारे सवाल किए थे आईटीआई को, टॉलीगंज आईटीआई के रिलेटेड। तो मैं आज जो है टॉलीगंज आईटीआई के रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि उसमें आप जो है कैसे इनरोल कर सकते हैं, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ है, क्या क्या ट्रेड है उनमें। तो आज हम सब उन टॉलीगंज गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट यानी कि टॉलीगंज आईटीआई के बारे में बात करने वाले हैं। तो टॉलीगंज आईटीआई बेसिकली ये WBSC VT आईटीआई के अंदर में आता है। ये आपको बताते चले कि वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट मिला करके 298 ITIs है, जिसमें से 150 गवर्नमेंट ITIs है और 148 प्राइवेट ITIs है ना। और जो ये आपका टॉलीगंज गवर्नमेंट ITI है, ये गवर्नमेंट है, नाम से पता चल रहा है ये फुली गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें एडमिशन के फीस जो है ये ना के बराबर है ना, जहाँ आपको फ्री में जो है कोर्सेज कराए जाते हैं, मिनिमम चार्जेस है रिक्वायर्ड बेसिकली। तो इसमें क्या है एक्चुअली में, देखिए आईटीआई टॉलीगंज कॉलेज मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट आईटीआई कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल, जितने भी कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल में सबसे अच्छा फैसिलिटीज़ और सुविधाएं जो है टॉलीगंज में है। टॉलीगंज में आप देख लीजिएगा ट्रेड्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना। ट्रेड्स थोड़े हाई फाई ट्रेड्स बोलते हैं ना, जिसको हाई फाई ट्रेड्स हैं। और जो है कैंपस भी बहुत बड़ा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, एकदम क्लीन नीट और क्लीन जो है एनवायरनमेंट है। वहाँ रह करके आपको ऐसा लगेगा कि आपको एकदम अलग ही दुनिया में आ गए हैं, है ना। और मैं ये बता रहा हूँ कि मैं वहाँ जा करके मैंने खुद इस चीज़ को देखा है, मैंने वहाँ पर ट्रेड नहीं किया है। मैंने कहा ना मैं ट्रेड के लिए गया था, मैं एडमिशन के लिए गया था, बट उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, वो बता दें जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसको अभी एक साइड रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईटीआई कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आप लोग को जाना पड़ेगा WBSC के वेबसाइट में, है ना, जहाँ पर जो है आईटीआई में आपको एनरोल करना पड़ेगा, है ना। आईटीआई के एडमिशन में जितना ट्रेड है इसमें टॉलीगंज आईटीआई में जितने सारे ट्रेड्स हैं उनमें से किसी एक ट्रेड में आपको चूज़ करना पड़ेगा, पर उससे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा वेस्ट बंगाल आईटीआई का, है ना। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा WBSC VT की वेबसाइट में और यहाँ जा करके आपको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ कि आईटीआई के रजिस्ट्रेशन डेट जो होते हैं वो यूजुअली मार्च से स्टार्ट होते हैं, मार्च अप्रैल तक रहते हैं, और जो है फरवरी मार्च अप्रैल तक रहते हैं यूजुअली। और जो है अगस्त से जो है काउंसलिंग यानी कि ट्रेड जो है आपका जो स्टार्ट करेंगे चूज़ करेंगे वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बताते चलूँ तो अभी इस साल 2023 का डेट तो निकल चुका है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई IMC में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जा करके IMC से बात करके ले सकते हैं। IMC में जो है डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पर आईटीआई का कोर्स कराता है। IMC मतलब हो गया प्राइवेट आईटीआई, जहाँ पर आपको जो है पैसा दे करके जो है कोर्स करना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट आईटी क्या है, ये फुल्ली जो है एग्जेम्प्टेड है। फुल्ली एग्जेम्प्टेड का माने क्या है, इसमें आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये फ्री में जो है आपको कोर्स कराया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। पर IMC कोटा में क्या है, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे आपको इस सर्टिफिकेट के देने के लिए। तो मैं आपको बता तो चलूँ कि कौन कौन से ट्रेड है टॉलीगंज गवर्नमेंट आईटीआई में। उससे पहले मैं बता दूँ आपको जो इनरोल करना पड़ेगा इसमें, तो आपको उसका प्रोसीजर क्या है, अगर वो आप करना चाहते हैं तो मैं बताइएगा, मैं ज़रूर उसमें आपकी मदद करूँगा। तो उसके लिए जो है आपको आईटीआई के वेबसाइट में आना पड़ेगा,
है ना, और ITI के वेबसाइट में आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपका रैंक कार्ड आएगा, फिर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स होगा, फिर उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग आएगा, फिर उसके बाद जा करके कहीं आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं एडमिशन के लिए गवर्नमेंट ITI में, है ना। IMC में भी सेम है। IMC में क्या है, जब आपका चॉइस फिलिंग का टाइम आता है तब आपको जो है गवर्नमेंट और IMC में चूज करना पड़ता है। तो हम बात कर सकते हैं ट्रेड की, कौन कौन सी ट्रेड है टॉलीगंज गवर्नमेंट ITI में। तो पहला है सोलर टेक्नीशियन है ना, सोलर टेक्नीशियन, और क्या है मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग है, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर है, मैकेनिकल डीजल है, प्लम्बर है, शीट मेटल वेल्डर है, कारपेंटर है। ये जो कोर्स है कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको हम लोग कोपा के नाम से भी जानते हैं, तो ये कोर्स के लिए मैं गया था स्पेशली टॉलीगंज में। तो ये कोर्स मुझे वहाँ पर ही मिला नहीं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में अप्लाई किया था मैंने, तो मेरा वहाँ यहाँ पर ही सीट आया नहीं। इस वजह से जो है मैं इस साल यानी कि 2022 में जो है यहाँ पर ही ज्वाइन नहीं हो पाया। इस साल के लिए मैंने फिर से अप्लाई किया है, देखिए इंशाल्लाह क्या होता है। तो कोपा के अलावा जो है स्विंग टेक्नोलॉजी है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग है, ड्राफ्टमैन है, ड्राफ्टमैन सिविल है, फिटर है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है। ये जो है ये तो ITI टॉलीगंज का सबसे माने कि सबसे बेस्ट और माने कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ट्रेड है। ज़्यादातर लोग इसी को करने के लिए जो है टॉलीगंज ITI में आते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल, है ना। क्योंकि मैकेनिक मोटर व्हीकल के जो इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो फैसिलिटीज दी जाती है, वो और बहुत सारी ITI इंस्टीट्यूट में बहुत कम मिलती है। तो इस वजह से जो है स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आने के लिए। इसके अलावा भी है AC है, रेफ्रिजरेटिंग टेक्नीशियन है, सर्वियर है, टर्नर है, फिटर है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस है, मैसनिस्ट है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर ही, है ना। तो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें जो है आपको गवर्नमेंट ITI टॉलीगंज में मिल सकता है। तो बात करें IMC कोटा की, तो यहाँ पर ही जो है IMC कोटा नहीं दिखा मुझे। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज है, क्योंकि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पर ही जो है आपको जो है फ्री में और जो है गवर्नमेंट के अंडर जो है इसको करना पड़ेगा। इसमें जो आपका IMC कोटा नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कोर्स है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं टाइम निकाल करके ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, रखता हूँ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।